हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी टॉपिक है टेंशन मेंबर्स विद बोल्टेड कनेक्शंस। सब्जेक्ट डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम सिलेक्ट करा। हमें देखिए, सिंगल एंगल अनइक्वल सेक्शन 125 × 75 × 6 mm इज कनेक्टेड टू 12 mm थी गजेट प्लेट एंड द एंड्स विद 6 18 mm डाया बोल्ट्स टू ट्रांसफर टेंशन एज शोन इन फिगर। डिटरमाइन द डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द एंगल assuming the FY and FU as 250 MPa and 410 MPa. The gusset plate is connected to 125 mm leg. ये फिगर क्वेश्चन में गिवन है, जिसमें गजेट प्लेट 125 mm leg को कनेक्टेड है। सेक्शन है अनइक्वल सेक्शन 125 × 75 × 6। ये 125 कनेक्टेड है तो ये 75 है और इसकी थिकनेस है 6 mm। 6 बोल्ट्स है 18 mm के वन रो में और इसका पिच डिस्टेंस भी गिवन है क्वेश्चन में, 40 mm है ये और एज डिस्टेंस भी 40 है। उसके अलावा डिज़ाइन टेंशन स्ट्रेंथ मालूम करना है, TD और FY की वैल्यू दिया हुआ है और FU की वैल्यू दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप में गिवन डेटा लिख लीजिए। ISA 125 × 75 × 6 mm गिवन है। डाया ऑफ बोल्ट 18 mm है। डाया ऑफ बोल्ट अगर 18 mm है तो डाया ऑफ होल बन जाएगा 20 mm। 18 mm रहा तो +2 mm एक्स्ट्रा ऐड करना, उसमें डाया ऑफ होल बन गया 20 mm। अपने को डिज़ाइन टेंशन स्ट्रेंथ मालूम करना है, डिनोटेड बाई TD विच विल बी लीस्ट ऑफ यील्डिंग रप्चर एंड ब्लॉक शेयर। FY गिवन है, FU गिवन है। ये जो गिवन है ये सेक्शन का गिवन है, ISA का। यहाँ पे बोल्ट का अज्यूम कर लेंगे, अज्यूमिंग 4.6 ग्रेड बोल्ट्स तो फॉर बोल्ट FU विल बी 400। ये कैसे आता देखिए, 4 × 100 करना है यहाँ पे तो 400 आता और 0.6 × 400 करना फिर ग्रेड के हिसाब से तो FY भी आया था, यील्ड स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस फॉर द बोल्ट। नेक्स्ट है स्टील टेबल से इसका AG की वैल्यू मालूम कर लेना है। ISA 125 × 75 × 6 mm का स्टील टेबल में आप अनइक्वल एंगल सेक्शन रिफर करिए ISA, तो उसमें ये सेक्शन का AG की वैल्यू मिल जाती है आपको 1166 mm स्क्वायर आया। नेक्स्ट स्टेप रहेगा प्रॉब्लम में डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग मालूम करना है, डिनोटेड बाई TDG। इसका फॉर्मूला IS 800 पेज नंबर 32 में अवेलेबल है। देखिए डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन TDG इक्वल्स टू AGFY बाई RMO। यहाँ पे RMO है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, इसकी वैल्यू 1.10 रहती। इसके बाद फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, AG की वैल्यू फ्रॉम स्टील टेबल लिखी है अपन इंटू 250 FY है बाई RMO 1.10, तो TDG की वैल्यू आई 265 × 10³ N। ये डिज़ाइन स्ट्रेंथ है, इसके यूनिट्स न्यूटन रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम में डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर फाइंड आउट करना है। डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर का फॉर्मूला पेज नंबर 33 पे है IS 800। ये फॉर्मूला है देखिए, यहाँ पे गिवन है पेज नंबर 33 पे, 0.9 ANC FU बाई RM1 प्लस बीटा AGO FY बाई RM0। यहाँ पे बीटा जो अनोन है, बीटा का फॉर्मूला भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये कैसा सब्स्टिट्यूट करना बताता हूँ मैं। देखिए ANC रहेगा एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, AGO रहेगा एरिया ऑफ आउटगोइंग लेग। तो फिगर में जो लॉन्गर लेग कनेक्टेड है ना यहाँ पे, तो ANC लॉन्गर लेग का बन जाएगा 125 का और आउटगोइंग लेग है 75 में, तो AGO बन जाएगा 75 का। वोल्टेड कनेक्शंस में ANC और AGO कैसा फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में देखिए। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 125 mm लेग कनेक्टेड है गजेट प्लेट को, तो एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग बन जाएगा 125 का। यहाँ पे ANC का मतलब है नेट एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। जब भी नेट एरिया कंसिडर करना है तो डाया ऑफ होल माइनस करना पड़ता, तो इसका एरिया क्या होगा देखिए, 125 माइनस डाया ऑफ होल जो है 20 माइनस 6/26। यहाँ पे थिकनेस टेपर्ड रहने से एवरेज कंसीडर करते हैं, तो 125 माइनस 20 माइनस 6/26 ये हो गया 612 mm स्क्वायर। नेक्स्ट है AGO एरिया ऑफ आउटगोइंग लेग, यहाँ भी सेम वैसी 675 माइनस थिकनेस बाई 2, टेपर्ड थिकनेस रहने से एवरेज माइनस 6/2 × 6 432 mm स्क्वायर आया। ANC AGO फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट बीटा भी अनोन है, बीटा के लिए फॉर्मूला पेज नंबर 33 पे ही है। बीटा है 1.4 माइनस 0.076 W बाई T FY बाई FU BS बाई LC।
वोल्टेड कनेक्शंस के केस में W और BS कैसे मालूम करते हैं, ये भी आपको कोड बुक में दिखे। इसमें BS रहेगा W प्लस W वन माइनस T, W मतलब फुल लेंथ माइनस हाफ लेंथ ऑफ दिस कनेक्टेड लेग माइनस थिकनेस, और W रहेगा आउट गोइंग लेग की विड्थ। तो ये वो हिसाब से यहाँ पे BS बन गया दिस फुल लेंथ प्लस दिस हाफ लेंथ 75 प्लस हाफ लेंथ क्या होता है 62.5 125 बाई 2 माइनस थिकनेस 6, तो ये आ गया 131.5। नेक्स्ट है W, W है आउट गोइंग लेग की विड्थ 75 mm, T है थिकनेस ऑफ दिस लेग 6 mm, और LC है लेंथ ऑफ कनेक्शंस। लेंथ ऑफ कनेक्शन के लिए फिगर में देखिए सेंटर ऑफ दिस बोल्ट टू सेंटर ऑफ दिस बोल्ट कंसीडर करना था, तो 40 × 5 ये आ गया 200 mm। नेक्स्ट बीटा में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए पूरे वैल्यूज़, 1.4 माइनस 0.076 W बाई टी एफ वाई बाई एफ यू बी एस बाई एल सी, यहाँ पे सेक्शन का लेने का एफ वाई बाई एफ यू, तो बीटा की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आई 1.01। रप्चर के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 0.9 इंटू ए एन सी इंटू एफ यू बाई गामा एम वन है, आप गामा एम वन की वैल्यू है 1.25, गामा एम वन और आर एम वन 1.25 प्लस बीटा ए जी ओ इंटू एफ यू एफ वाई है, ये एफ यू 14 है, ये एफ वाई 250 बाई आर एम नॉट डेट इज़ 1.10। सब्स्टिट्यूट कर दिए इस बात कैल्सियम में सॉल्व करें तो टी डी एन का आंसर आया 279.82 × 10³ न्यूटन। नेक्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम में डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर। डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर के फॉर्मूले पेज नंबर 33 पे अवेलेबल है, देखिए डिज़ाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर दो फॉर्मूले इसमें टी डी बी वन लिख लीजिए या टी डी बी टू, ये दो फॉर्मूले में फर्स्ट फार्मूला है ये सेकेंड फार्मूला है, इसमें ए वी जी ए टी एन और ए वी एन ए टी जी एन दोनों, तो ये फोर वैल्यूज फाइंड आउट करना है पहले। तो वोल्टेड कनेक्शन केस में कैसा फाइंड आउट करते देखिए, इसके लिए रिफर फिगर रिफर करिए ए वी जी के लिए। ए वी जी के लिए रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ इंटू थिकनेस ऑफ द सेक्शन, तो ये हो जाएगा 40 × 6 लेंथ आ गया इंटू थिकनेस क्या है सेक्शन की 6 mm, तो इंटू 6 ये आ गया ए वी जी 1440 mm². जैसा कि लास्ट में ही बोला था मैं, एन आया तो नेट एरिया में डाई ऑफ वोल्ट माइनस करना रहता, तो वही ए वी एन के लिए भी सेम यहाँ से जो 240 आ रहा माइनस 6 बोल्ट्स है ना आपने कहने कनेक्शन में, तो इसमें से 5.5 बोल्ट्स माइनस कर देना डाई ऑफ होल माइनस करना, तो 240 माइनस 5.5 इंटू डाई ऑफ होल 20 mm इंटू सेम थिकनेस, तो ये आ जाता नेट एरिया, एन आया तो नेट है नेट एरिया में जो है सो डाई ऑफ होल्स माइनस करना रहता, तो इसको सॉल्व करें तो 780 mm² आ गया। नेक्स्ट है ए टी जी, ए टी जी के लिए फिर फिगर रिफर करिए, ए टी जी के लिए ये एरिया लेना रहता डेट विल बी 125 बाई 2 62.5 इंटू थिकनेस, तो यहाँ पे ये आया 62.5 इंटू थिकनेस, फिर यहाँ भी एन आया नेट एरिया में फिर डाई ऑफ होल माइनस करना रहता, तो यहाँ पे अपन हाफ लेग कंसिडर करें ना, तो हाफ डाया ऑफ होल माइनस करना है 62.5 माइनस हाफ डाया ऑफ होल 20/2 इंटू थिकनेस 315 mm², तो ये फोर एरियाज फाइंड आउट करने के बाद इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए टी डी बी वन के फॉर्मूले में, ए वी जी इंटू एफ वाई बाई रूट 3 गामा एम नॉट प्लस 0.9 ए टी एन एफ यू बाई गामा एम वन, तो टी डी बी वन का आंसर आया 281.93 इंटू 10³ न्यूटन। सिमिलरली टी डी बी टू के फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करिए 0.9 ए वी एन एफ यू बाई रूट 3 गामा एम वन प्लस ए टी जी एफ वाई बाई गामा एम नॉट, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसको सॉल्व करें इसका आंसर आया 218.16 इंटू 10³ न्यूटन। ये दो फॉर्मूले भी पेज नंबर 33 पे अवेलेबल है आई एस 800 में। देयरफॉर फाइनली द डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ आई एस ए 125 × 75 × 6 mm इज TD equals to 218.16 into 10 power 3 Newton, which is least value of TDG, TDN, TDB1 and TDB2. Design tensile strength जो है ना least value रहेंगी four values में से जो भी find out करें, तो मेरे को जो least value आई वो है TDB2 की 218.16 into 10 power 3 Newton.